ठीक है, तो आपके दोबारा से कब शुरू हो रहे हैं एग्जाम? अप्रैल से सर। आज एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है डीसी की अध्यक्षता में, उसकी कोरोना वायरस की तैयारियों को लेकर के अधिकारियों की मीटिंग थी। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के, पंचायत विभाग के, महिला एवं बाल विकास विभाग के और शिक्षा विभाग के आदि सभी विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। तो हमने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन पर हमने चर्चा की और हमारी तैयारी को डिस्कस किया। जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। हमारे यहाँ कोई भी अभी तक जो है कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। जितने भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनमें उन लोगों की जो जिनमें सिम्टम्स नज़र आते हैं उनकी रिपोर्ट हम PGI रोहतक या खानपुर में भेज रहे हैं और अभी तक कोई भी पॉजिटिव इसमें नहीं आया है। शिक्षा विभाग को और महिला एवं बाल विकास विभाग को विशेष रूप से डायरेक्शंस दे दी गई हैं। जो हमारी गाँव में आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और ANMs हैं और पटवारी ग्राम सचिव हैं, इनकी हमने हर एक गांव की कमेटी बनाई है। इस तरह का कोई भी सस्पेक्टेड केस मिलेगा तो वो तुरंत संबंधित जगह पे रिपोर्ट करेंगे। मास्क की अवेलेबिलिटी हमारी पूरी है। तो इस प्रकार से पूरा जिला प्रशासन पूर्णतया तैयार है। लोगों को किस तरह जागरूक किया जाएगा? काफ़ी लोग अंदर रहते हैं। लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो वायरस है ये एक तो रेस्पिरेटरी तरीके से फैलता है, तो खांसने से, छींकने से, इस तरीके से फैलता है। तो इसलिए पब्लिक कॉन्टैक्ट थोड़ा सा अवॉइड करें, हाथ वगैरह धोते रहें, हैंड वॉश इस्तेमाल करते रहें ताकि आपके ज़रिए या किसी के ज़रिए आपके पास ये वायरस ना आए। और थोड़ा सा ह्यूमिड कंडीशंस में ज़्यादा फैलता है, तो इसलिए कोई भी आपका टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा हो तो फिर कम फैलने के चांसेस हैं। तो पानी से जैसे कम कॉन्टैक्ट में रहें या गीले कपड़े ज़्यादा ना रखें, ना पहने, और थोड़ा सा गर्म पानी पीते रहें और स्टीम या भाप लेते रहें ताकि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसके फैलने के चांसेस कम होंगे। बाकी किसी भी तरह की पैनिक में ना आए, हमारी प्रशासन की पूरी तैयारी है। हमने आइसोलेशन वार्ड्स भी बना लिए हैं, मास्क वगैरह भी हमारे पास सफिशियंटली अवेलेबल हैं, तो हम इसके लिए पहुँचते हैं। नमस्ते होली, इस पर नमस्ते करना, पानी वाल के भाप के लिए जितने को